नमस्कार, मैं हूं प्रश्रय शर्मा। छत्तीसगढ़िया गोड बात मन में आप मन के स्वागत है। आज हमारे साथ जिन शख्सियत जुड़ा थे वह छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में नवा नवेला चेहरा है, साथ ही साथ यह एक्टिंग और कोरियोग्राफी में अपन पाँव जमावत है। कुलदीप सिंह परमार जी, सर आपके बहुत स्वागत है हमारे। जय जोहार। जय जोहार। आपसे सबसे पहली तो मैं जानना चाहूँ कि अभी अभी ये इंडस्ट्री में आप कदम रखे हो, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में आप पाँव जमाए हो, कैसे रही सफर, कैसे चालू करे हो? सबसे पहली आप मन ला धन्यवाद जैन अपन चैनल के थ्रू मोला अपन गोट बात बताए के मौका देवत हो। और सगल टाइम से मतलब आप 2008-2010 से तो मैं कोरियोग्राफी फील्ड में हवा हूँ। और अभी अभी 3-4 साल हुए है वापस आए मुंबई से। और आए के बाद जितना भी हमार पुराना कलाकार रही ने सब आज अपन अपन जगह जमा चुके हैं, तो सब मोर से कहा था कि भाई आओ काम करो यहाँ करो, तो उखर मन साथ जुड़ जुड़ के काम करे में अब मजा आवत है। मैं कोरियोग्राफी जितना भी यहाँ के बड़े बड़े फैमिली मन है उखर मन के कोरियोग्राफी तो करे हूँ। अब मौका मिला था छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में कोरियोग्राफी एक्टिंग करे के, तो ज़रूर आप मतलब पसंद आऊँ कि नहीं, अब लेट्स सी। हमार पड़ताल में मालूम पड़े कि आप बचपन ले ही डांस के शौकीन रहे हो, का कुछ कहना चाहोगे बारे में? बचपन से सबो जन मोर ख्याल से डांस के शौकीन रहते हैं, अमन टीवी में देख के ये वो, तो हमार मोहल्ला में जितना बार गणेश बिठाया जाए तो वहाँ फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज आया, तो थोड़ा सा उत्साह रहा था कि यार हाँ डांस में भी अपन कुछ कर सका था। नहीं जैसे कि कुलदीप भाई बताई कि डांस से गणेश के पंडाल के डांस एकर सफर शुरू हुई, मैं जानना चाहूँ कि वो समय बाथरूम के लाइक बाथरूम डांसर जिला हमन कही सकतन कि मोहल्ला में डांस करे वाले लड़का मुंबई जाए एक सपना कैसे देखे? सबके सपना रही थे, मोरो सपना रही से देख मुंबई जाए के ऐसे कुछ नहीं रही से। मैं आप मतलब बतावा था, मैं 10th क्लास में क्रेजी चैप्स करके एक संस्था है तेनला ज्वाइन करो, वहाँ से मोर डांस से अर्निंग चालू हुई। तो मैं बोलूँ यार अपन गुण से अगर इंसान है पैसा कमा सकते हैं तो का पर नहीं कमाए। और वो समय डांस के उतना क्रेज़ नहीं रही से। और मोर भाई एक विकास करके जैन मुंबई में रहत रही से, मोर फूफा जी वहाँ CISF में एयरपोर्ट में रही से, दीदी मन सब एयर होस्टेस रही से, तो वहाँ से मोर सोर्स जगीस कि भाई मैं मुंबई जा सकता हूँ। और मैं शुरुआत से डांस में रोहन एंड ग्रुप और श्यामक डावर के फ़ैन रहे हूँ, तो वहाँ जाके फिर वो गाइड करी कि भाई नाला सुपारा मतलब जैन क्या बोलते हैं टाउन से नाला सुपारा काफ़ी दूर पड़ते, आप मन सुने हूँ तो वेस्टर्न रेलवे में वो बहुत आगे पड़ते, तो वहाँ जाके रहें। और वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई, पहले रोहन एंड ग्रुप ला ज्वाइन करो मैं हिप हॉप पर, फिर श्यामक डावर ला ज्वाइन। बात आगे है श्यामक डावर के, जैन बहुत ही प्रसिद्ध कोरियोग्राफर है मुंबई के, श्यामक डावर संस्थान में कुलदीप भाई ये ट्रेनिंग ले है। मैं जानना चाहूँ कि एक छोटे से शहर रायपुर के लड़का 2008 जब हमारे शहर घलो बढ़त रही से, वो समय श्यामक डावर एकेडमी में जाए के बाद आपके का कुछ अनुभव रही से, मायानगरी में पाँव जमाए पर आप का करे? सबसे पहले तो वहाँ जाके घर ढूंढना सबसे बड़े स्ट्रगल वाले काम रही से, और वही समय अटैक हो रही से, तो मतलब बैचलर्स पर तो वहाँ कोई जगह नहीं रही से, तो हमन कैसे कैसे जुगाड़ करके 1BHK के घर लेके, फिर कई बार मम्मी मोर बोल सकत हो आप गुरु बैकबोन सब है, ओखर नाम से ही मैं मुंबई पहुँच पाया हूँ। काबर कि मम्मी नहीं रहती तो कौन रायपुर के लड़का बोल ही डांस सीखने लें वहाँ जाना है, तो सब मन सब दोस्त मन हंसी मजाक उड़ाया कि भाई जाते पैसा बर्बाद करके आ जाइए, घर वाले पैसा बर्बाद कर जाते, लेकिन भगवान की दया से तुरंत जात थी रोहन ग्रुप में मौका मिल गया। IPL में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, IPL 2010 के फाइनल में आप देखे हो दो तीन बड़े बड़े कलाकार यार रहमान सबके साथ काम करने के मौका मिली, तो धीरे धीरे ग्रोथ बढ़त गई। तो उस श्यामक टावर में भी सीधा बिगनर्स लेवल से एलिमेंट्री एडवांस तक के जाए के मौका मिली, तो घर वाले भी बोली कि नहीं यार चलो कुछ ना कुछ बना थे खर काम हुआ करके छोड़ दी। कुछ बड़े बात कुलदीप भाई हमन ला बताई दर्शकों कि जैसे छोटे शहर के लड़का जेखर माता पिता मन रोकते ओमन ला कैसे मनाए पड़ते आगे जाए बर, और अब जब बात श्यामक डावर के आगे है और बॉलीवुड के आगे, जैसे कि कुलदीप भाई बताई कि AR रहमान और बड़े बड़े कलाकार मन के साथ काम कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँ कि ट्रेनिंग सेंटर में जिन ट्रेनिंग सेंटर में आप रहे हो जहाँ आप ट्रेनिंग ले श्यामक डावर के ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ कौन कौन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ आपका काम करने का मौका मिली? मैं आईफा अवार्ड कर रहे हूँ, कॉमनवेल्थ गेम कर रहे हूँ, कॉमनवेल्थ गेम 2010
तो कॉमनवेल्थ गेम में जितना आर्टिस्ट रही है, आईफा अवार्ड में जितना आर्टिस्ट है, मैक्सिमम जितना आर्टिस्ट है सबके साथ काम कर चुके हूँ। बैकअप डांसिंग कर चुके हूँ, चिकनी चमेली गाना में हूँ, जिला गाजियाबाद गाना में संजय दत्त एकरमन के साथ हूँ। तो बैकअप डांसिंग करत करत मन में ये आ रही थी यार ये काम करे बड़े तो हम यहाँ नहीं आए हैं। तो वहाँ भी मतलब थिएटर में मैं रुक करे हूँ, थिएटर क्लास करे हूँ, फिर डांस क्लास में हमर नच बलिए झलक दिखला जा सब में असिस्टेंट कोरियोग्राफर हमर ग्रुप रही से पूरा। और एक पदातिक करके संस्था है जैन कलकत्ता के सबसे बड़े संस्था है, वहाँ के मेन इंस्ट्रक्टर मेरे हैं। तो जैसे कि दर्शकों आप बन देख सकते हैं कि कुलदीप भाई यहाँ संजय दत्त से लेके एआर रहमान और बड़े बड़े कलाकार बन के साथ काम कर चुके हैं। मैं मोर अगला सवाल आपसे ये रही कुलदीप भाई की अतका बड़े इंडस्ट्री मायानगरी बॉलीवुड ला छोड़ के छत्तीसगढ़ में आना और छत्तीसगढ़ अपन राज्य में अपन नाम ला बनाना का कुछ कठिनाइयाँ आप बन के सामने आई रही? प्रसाद भाई इकलौता हो कि तू समझ सकता मैं समझ सकता हूँ, इकलौता होना मतलब पूरा जिम्मेदारी तोर ऊपर है। अब आप वहाँ जैसे भी करो तो जो भी करो तो लेकिन घर के ज़रूरत में ना आप मतलब टूटेल पड़ते आपला आयल पड़ते घर में आके घर के घर परिवार के देखे। मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई रही, कैंसर डिडक्ट हो गई रही, लेकिन मोर माँ फाइटर है जैसे कि मैं आप मतलब बताया हूँ। तो थर्ड लेवल के कैंसर वो पार करके आई मोर माँ, तो उस समय मोला यहाँ आयल पड़ी। और ऐसे नहीं कि मुंबई से पैर हटा दें, अभी भी मुंबई से बाहुबली जिन हमार प्रभास है उसका बॉडी डबल के काम आ रही से। अब मैं यहाँ आए के बाद में काम ला मतलब मैं सोचे अब इंडस्ट्री में नहीं जाना है तो मैं टैटू करा डरे। तो ये टैटू के नाम से मैं उचुक गया, नहीं तो बॉडी डबल के काम में प्रभास से करे। जैसे कि आप देख सकते हो कि बड़े बड़े कलाकार के बॉडी डबल एक्टिंग डांसिंग कोरियोग्राफी मतलब हम कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड स्टार है हमारे छत्तीसगढ़ी स्टार कुलदीप भाई। मैं जानना चाहूँ कि अगला का कुछ प्रोजेक्ट में काम कर रहा था छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में अपन? सबसे पहली तो प्रोजेक्ट के बारे में बता दूँ, एसी प्रोडक्शन आप सब सुने हुए अनिकृति चौहान वो खर डैडी के नाम में है, अनिल सिंह चौहान प्रोडक्शन जिन मैं और अनी मोर बहुत अच्छा फ्रेंड है, हम दोनों मिल के चालू करे हैं। और ओखरे प्रोजेक्ट में मोर प्रेम संदेशा और गजानना गाना आए हैं दो गाना। और वही प्रोजेक्ट में मोर अभी मैं टूर में गए रहे हूँ अमरनाथ यात्रा में, वहाँ भोलेनाथ के गाना बनाता हूँ। कबर की बहुत मैं स्पिरिचुअल इंसान हूँ तो थोड़ा अभी डिवेशनल सॉन्ग करके फिर लव में लव से एंट्री कर रहा हूँ बट डिवेशनल से फिर उमा जाऊँ। तो अभी अनिल सिंह चौहान प्रोडक्शन में ही मोर गाना आते कबर की पेयर नहीं मिल पाते हाइट और ऐसे। तो उखर बाद फिर आने वाला दो तीन मूवी के बाद चले थे लेट्स सी का होते आप मनला बहुत जल्द न्यूज़ मिली। प्रेम संदेशा के बाद चला थे प्रेम संदेशा एल्बम आई से कुलदीप भाई के जेमा करीब लाखों व्यूज यूट्यूब में देखे मिली से और एक से पता चलते कि दर्शक मन कतका चाहते कतका प्यार कर रहे थे ओकर बारे में कुछ जानना चाहो आप? प्रेम संदेशा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है मोर, जिन गाना गाए है ऋषि राजा वो आप मन सुनत हो बहुत ट्रेंडिंग है बट एंड ऑफ द डे वो गाना हम अपन पहला गाना रही से लॉन्च करें अपन चैनल में, लेकिन वो गाना ला लॉन्च करत ही सब्सक्राइबर और जिन आवर्स होते जिनमें चैनल रजिस्ट्रेशन हो जाते तेन अपन तुरंत हो गए। अगर वही गाना है अगर जी चैनल या कहीं जा रहे थे ना तो आप मन देखते हो कितना उखर लाइक और कबर की जितना डांसर में यूज़ करे हैं जितना कलाकार अपन यूज़ करें सब एवन। TCP 24 के हमारे पड़ताल में कुलदीप भाई हमला पता चली से कि आप समाज सेवा ले घलो जुड़े हो, गरीब लड़का मल्ला डांस के ट्रेनिंग देता हो छत्तीसगढ़ में, उखर बारे में हम आपसे जानना चाहो। जी जरूर, जब मैं डांस क्लास ओपन करे तो हम दो जन रहे मैं और धीरज करके, और मोर रायपुर आए के मेन मकसद उस समय ये रही धीरज थोड़ा सा फैमिली से मात खात रही से तो मोर पास दो क्लास रही। तो वो समय हमारे से बहुत गरीब बच्चा जुड़ी जो आज के डेट में अपन खुद के क्लास रन कर रहे थे और खुद कोरियोग्राफी करके अच्छा खासा रन कर रहे थे। मतलब उमन आज भी बोलते सर हमन मुंबई जाके भी सीखे लेकिन जो टेक्निक आप सिखाए हो वो टेक्निक आज भी यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है। कबर की मैं वहाँ से सर्टिफाइड होए के अलावा मतलब वो लेवल में पहुँच गए रहें जहाँ एकदम बिगनर से स्टार्ट करे रहें, तो शुरुआत से पूरा चीज़ के टेक्निक जिन पता चल जाते ना आप हर चीज़ में देवे सीख के अपन पूरा सीखते हैं। तो टेक्निक एक बार आपला पता चल गया मतलब फिर आप कुछ भी कर सकते हो, तो वैसे वोखर उमला गाइड करें वो आज उमन अच्छा मुकाम पे। अगर आज भी कोनो छत्तीसगढ़िया गरीब बच्चा आपसे डांस सीखना चाहिए कबर की एक कला है तो अपन उमला कैसे कला के बारे में सीखा हूँ और कैसे उमन आपसे जुड़ सकते? डेफिनेटली मैं गाइड करूँ बट अभी पर्सनली उमला सिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कबर की एक नाम चल गया। 2005 से मैं कोरियोग्राफी करत आता हूँ, आज
सीजन के टाइम में थोड़ा भी टाइम नहीं मिले, काबर की मोर पूरा टीम बटे हुए है, कोरियोग्राफी बड़े बड़े फैमिली के जिन संगीत होते तेनला मुला पूरा देखे पड़ते, प्लस थोड़ा सा बिजनेस घलोक ओपन कर दें। तो हाँ, जितना मोर इंस्ट्रक्टर से वन डेफिनेटली सिखाई, मैं मास्टर्स क्लास लेबर जाता हूँ, हर जगह मैं मास्टर्स क्लास लेता हूँ, वहाँ जाके उन मतलब गुण दूँ कि भाई क्या करना है, कैसे करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है। यस, एक्टिंग ला थिएटर के शुरुआत माने जाते हैं, अगर आप थिएटर कर ले हो तो एक्टिंग में आप पारंगत हो जाते हो। हमार पड़ताल में मन यहू देखे कि आप थिएटर घलो करे हो, ओकर बारे में मन आपसे जानना। जरूर, थिएटर मोला शुरुआत से एक्टिंग क्लास तो नहीं, थिएटर के बहुत शौक रही से, काबर के थिएटर आर्टिस्ट ला मैं देखा था हूँ, थिएटर आर्टिस्ट मतलब आप भी देखते हो, उखर रीच कितना रही थे, उखर वॉक सब चीज़ उखर ब्लॉकिंग कितना अच्छा रही थे। तो मैं अखिल भारतीय संस्कृति संस्थान जिन मुंबई अंधेरी वेस्ट में है, हमारे घर से बहुत पास है, किशोर नमित कपूर के जिन एक्टिंग स्टूडियो उखर जस्ट सामने, तो वहाँ से मैं एक्टिंग क्लास अपन करे हूँ, दो तीन थिएटर करे हूँ, सेकेंड लीड करे हूँ। बंदा कमाल था करके एक एक्ट्रेस जिमा गांधी जी के बचपन दिखाए गए हैं, जिमा मैं हाँ वीर के रोल करे हूँ, और मैरिज ब्यूरो में मैं कलाकार के रोल करे हूँ। तो बहुत मतलब थिएटर से आप मतलब इतना सीखेल मिलते कि कैमरा एंगल से लेके आपके वॉइस मतलब सब कुछ अच्छा हो जाता है एक्टिंग में। मतलब अमन बात कर ले कि अगर बात करे जाए कुलदीप भाई के दिल के, तो यह सामाजिक व्यक्ति घलो है, यह कलाकार घलो है, यह डांसर घलो है, मतलब ऑल इन वन अगर हमन अबला कह लें तो ये बात गलत नहीं रही। आखिरी सवाल कुलदीप भाई, हमन TCP 24 के दर्शक मन पर अमन का कहना। पहले तो सबको प्रणाम, जय जोहार और धन्यवाद जो आपने मेरा गोट सुना, और मैं ये चाह रहा हूँ कि बस ये मतलब ये गोट आप तक पहुँचे और अच्छा कुछ मैसेज जाए सारे बच्चों में, छत्तीसगढ़ वासियों में, और हमारे जितना छत्तीसगढ़ वाले मन गांव वाले मन सोचते कि भाई एक्टिंग नहीं कर सकन, डांसिंग नहीं कर सकन, या उखर घर वाले मन सोचते भैया ये बड़े मन के काम है, तो नहीं है, बड़े मन के काम नहीं है, प्रतिभा के काम है। अगर आप में प्रतिभा है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ो, कोई नहीं रोक सके आप मन ला, हाँ बस बोला छुपा के मत रखो। और धन्यवाद मोर भाई प्रशय, धन्यवाद कैमरामैन मेरे भाई, और धन्यवाद TCP 24 जो मुझे आपने यहाँ बुलाया और सम्मान दिया। गोरीते 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 गोरी कब आबे मोरे गाँव मा, हाय रे गोरी कब आबे मोरे गाँव मा। आज के छत्तीसगढ़िया गोट पात में यह रही हमारे साथ मल्टी टैलेंटेड स्टार और हमारे पहुना कुलदीप सिंह परमार जी, जिकर से हम कर इन गोट बात।